भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव काफी नजदीक है। 12 अगस्त को कुश्ती फेडरेशन को अपना नया WFI चीफ मिल जाएगा, लेकिन इस पद के लिए दो कुट आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ WFI के उपाध्यक्ष संजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट अनीता श्योराण। संजय सिंह पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के गुट से हैं, जबकि अनीता श्योराण को खेल मंत्रालय और ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाही देने वालों में से एक नाम अनीता का भी था, जिन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर दिल्ली पुलिस को गवाही दी थी। अनीता श्योराण ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल और 2005 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अनीता ने नेशनल चैंपियनशिप में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और अब हरियाणा में सब इंस्पेक्टर हैं। अगर अनीता जीत जाती हैं तो वो WFI की चीफ बनने वाली पहली महिला भी बन जाएंगी, लेकिन अनीता के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका मुकाबला ब्रिजभूषण के गुट से आने वाले संजय सिंह से होने जा रहा है। और सूत्रों की माने तो वोटर्स का ज्यादातर हिस्सा अब भी ब्रिजभूषण के पक्ष में है। दरअसल ब्रिजभूषण ने सोमवार को कुश्ती महासंघ की प्रदेश यूनिट की मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद एक दावे के मुताबिक कुल 25 यूनिट में से 20 ब्रिजभूषण के साथ हैं। कुश्ती में महिलाओं का काफी योगदान रहा है, लेकिन फैसले लेने के मामलों में हमेशा पुरुष ही आगे रहे हैं। ऐसे में अगर अनीता श्योराण ये चुनाव जीत जाती हैं, तो इसे महिलाओं की जीत भी माना जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या एक महिला जिसने देश के लिए इतने मेडल जीते हैं, क्या वो कुश्ती फेडरेशन को बेहतर तरीके से नहीं चला सकती? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।